अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। अभी इस वक्त मैं दरिया रावी में मौजूद हूँ, दरिया रावी में रावी ब्रिज के नीचे हम यहाँ पे मौजूद हैं। और रावी में भारत की जानिब से पानी छोड़ दिया गया था, इस तरह की खबरें आप भी सुन रहे होंगे हालिया। और ये बात हकीकत है, भारत की जानिब से बाकी पानी छोड़ा गया, लेकिन वो पानी कितना है, उसका ख़तरा कितना है, इंतज़ामिया किस कदर उसको लेके एक्टिव है और क्या अपने जो है काम कर रही है यहाँ पे लोगों की हिफाजत के लिए, और कौन कौन से इदारे कितने एक्टिव हैं, क्या काम कर रहे हैं रावी में पानी को कंट्रोल करने के लिए या फिर नुकसान को कंट्रोल करने के लिए, और किन किन नुकसान के खदशात हैं, यहाँ पे आज के प्रोग्राम में जानेंगे। अभी सबसे पहले जी हमारे साथ दिलावर हुसैन न्याज साहब मौजूद हैं। न्याज साहब हमारे सिटी न्यूज नेटवर्क के रिपोर्टर भी हैं और नुमाइंदे भी हैं पूरे सिटी न्यूज नेटवर्क के, 3.2 से भी और 24 न्यूज से भी, और उसके साथ साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। न्याज साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का करम, आप बताएं, ठीक ठाक हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। न्याज साहब, ये आप पिछले साल भी यहीं पे इसी सूरत हाल में यहाँ रहते थे, आपकी ड्यूटी लगती थी मोस्टली, और इस साल भी आप यहाँ पे अपनी ड्यूटीज के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं ड्यूटी के, क्या सूरत हाल है पानी की, पिछले साल क्या थी, इस साल क्या है, डिफरेंस है कुछ? अच्छा, पिछले साल जो सूरत हाल देखी गई ना, उसकी निस्बत इस साल अभी पानी कम है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर पिछले साल बहुत ज़्यादा पानी था। ओके। और अब आज की सूरत हाल ये है, तकरीबन 30,000 क्यूसिक जो है वो पानी यहाँ पर शादरा का जो इलाका है यहाँ पर रहा है, जसर का और जो नैनाकोट का इलाका है पीछे जहाँ से ये पानी आ रहा है, जब से भारत ने छोड़ा है, वहाँ पर जो पानी है इस वक्त वहाँ से निकल गया है। और इतलात यही है कि आज रात तक जो है ये पानी यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि जो सलापी रेल है ये यहाँ से गुजर जाएगा। ठीक हो गया। अच्छी बात जो यहाँ पर देखने में आई है सामने, कि इस साल इंतज़ामिया की जानिब से जो रेस्क्यू 112 और सिविल डिफेंस का हमला है वो बहुत मुतहरिक नज़र आया है। मतलब वो आप फील्ड में नज़र आए हैं। पिछले साल सिविल डिफेंस का हमला था, रेस्क्यू का इतना हमला देखने में नहीं आया, इस बार कैंप भी लगाया है उन्होंने। फिर तकरीबन मैं सुबह से आज देख रहा हूँ कि रावी का जो ये इलाका है इरशादरा से इससे पीछे तक जो है यहाँ पर ये खुद वक्फे वक्फे से सफ़र भी कर रहे हैं, खुद पानी में हालात का जायज़ा भी ले रहे हैं कि जो करीब आबादियाँ हैं उनको देख रहे हैं ख़ास तौर पर, क्योंकि कल निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा है कि ये जो आबादियाँ हैं ये असल ख़तरा है, जो लोग रावी के सेंटर में रह रहे हैं घर बने हुए। अच्छा, इसके साथ इन्होंने इस बार घर भी तोड़वाए हैं जो बिल्कुल अंदर थे, उसको भी तोड़वाया है, और उनको जो है ना ज़्यादा इन्होंने फोकस किया हुआ है कि उन लोगों को किसी किस्म का कोई परेशानी ना हो, कोई हादसा ना आए। तो ये इंतजाम इस बार जो है इस साल काफ़ी बेहतर अभी तक जो है वो नज़र आए, आज सारा दिन भी सूरत हाल ठीक रही है। ज़बरदस्त। अच्छा दिलावर, मुझे ये बताइएगा कि किन किन इलाकों को वैसे ख़तरा हो सकता है, कभी आज तक आपके, शायद आप पिछले साल भी करते रहे, आपके नॉलेज में शायद ये बात हो, मेरे नॉलेज में नहीं है ना, मैंने शायद अपनी उम्र में कभी या तवज्जो दिया या देखा है, लाहौर के अंदर भी पानी आया है? नहीं, इसका पानी असल में जो यहाँ पर प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी देखी गई है वो ये थी कि ये जो शादरा का इलाका है ना, जो ये नया ब्रिज बना है इसके करीब जितना भी एरिया है ये थोड़ा तंग है। क्यों तंग है? क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा आगे आ गई है, ठीक है, उसकी वजह से ये परेशानी यहाँ पर ज़्यादा है। पीछे जो इलाके हैं, अभी सिविल डिफेंस के एक गोताखोर है उनसे भी बात हो रही थी, मेरी रेस्क्यू से भी बात हुई है, उन्होंने ये बताया कि जो पीछे इलाका है जसर का मुकाम है या उससे आगे के जो इलाके हैं वहाँ से रावी दरिया खुला है। ओके। यहाँ पर आके थोड़ा सा तंग हो जाता है तो पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ जो गैर कानूनी लोग बैठे हैं, जो बिल्कुल ये बॉर्डर लाइन पर बैठे हैं सारे, इन लोगों की असल परेशानी है, क्योंकि जानवर भी इनके हैं, रह भी यहीं पर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लोगों ने तकरीबन घर भी बना लिए हैं, क्योंकि आखिरी साल मेरा DC साहब जो थे उनके साथ भी चक्कर लगा, उन सारे मामला उन्होंने देखे कि इन्वायरमेंट का क्या मसला है, पानी के अंदर का क्या मसला है या गंदगी का क्या मसला है, तो बहुत सारे मसले डिस्कस हुए, लेकिन उस पर उसके बाद दोबारा मेरा नहीं ख्याल कि कोई काम उस पर हुआ, क्योंकि पानी है ये आपको बताया कि भारत ने छोड़ा है तो आया है, इससे ज़्यादा रावी में पानी मेरा नहीं ख्याल कि अगर भारत ना छोड़े तो फिर आए, और अगर वो ज़्यादा छोड़ता है तो नुकसान होता है हमारा। बिल्कुल, हमारी होश में तो अभी तक इस तरह का वाकया नहीं हुआ, ये सुना है कि 86 में कोई ऐसा सैलाब था। अच्छा, कि अच्छा। अभी बता रहे थे मुझे एक बुज़ुर्ग थे यहाँ पर कि 86 में यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा था। अच्छा, मतलब जो वो सैलाब था उसके बाद ऐसा सैलाब नहीं आया, नहीं आया रावी में, नहीं आया।
ओके ओके। अच्छा ये दिलावर मुझे बताइएगा, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से या कमिश्नर ऑफिस से इंतज़ामिया की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? इंतज़ामिया की तरफ से जो सिविल डिफेंस का एक जो अदारा है या जो इन लोगों ने अमला बनाया है वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि रेस्क्यू की टीमें तो जाहिर सी बात आपको पता है कहीं पर भी जाएं तो अपना काम जो अच्छे से सर अंजाम देती हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो सिविल डिफेंस का एक अमला मैंने देखा है कि यहाँ पर मौजूद है, क्यों? क्योंकि वो लोग गोताखोर हैं, पानी के तैराक हैं अच्छे, और इस तरह के मामला वो देख रहे हैं। जो सिटी डिस्ट्रिक्ट की जानिब से जो इकदाम हैं वो सिर्फ मुझे सिविल डिफेंस का एक अमला नजर आया यहाँ पर। उसके अलावा फिलहाल कमिश्नर का या डीसी का विजिट आपने नहीं? मैं आज सारा दिन यहाँ पर ड्यूटी पर रहा हूँ, मेरे होते यहाँ पर किसी का भी जो है कोई विजिट नहीं था, ना कोई एसी आया, ना कोई डीसी साहब आए, कमिश्नर साहब भी नहीं आए। तो उन लोगों ने इस तरफ को जो है ना नहीं दौरा किया, तवज्जो नहीं दी। हाँ जी। अच्छा, तो इसकी क्या वजह है कि इस दफ़ा ख़तरा कम है, इस वजह से तवज्जो नहीं दी या उनकी मसरूफियत ज़्यादा हो गई है? अब कल जो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उसमें यही सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अभी मानसून शुरू नहीं हुआ सही से, वो शुरू होगा फिर पानी का क्या सूरत हाल होती है, भारत कितना पानी छोड़ता है पीछे से, जाहिर सी बात है वो ये सब चीज़ें देखनी है। ये समझ लें ये प्रैक्टिस है अभी। ओके, ओके। मेरे ख्याल में ये जो अभी चल रहा है ये प्रैक्टिस है। ठीक हो गया। दिलावर, ये जो इस साइड पे लोग बैठे हुए हैं, जो झोंपड़ियों में मुकीम है लोग, इन लोगों को यहाँ से मूव करने का, या क्योंकि गैर कानूनी बैठे हुए हैं पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि इनकी जान को खतरा है और बेशुमार यहाँ पे झोंपड़ियाँ लगी हुई हैं और जाहिर है काफ़ी सैकड़ों लोग अंदर होंगे, इनकी जान को भी खतरा है, इनके लिए क्या इकदाम कर रही है इंतजामिया? अच्छा, इन लोगों ने, ये भी आपको झोंपड़ियाँ नज़र आ रही हैं जो ये बाकायदा लोगों ने घर बना लिए, मतलब तबेले टाइप और घर बना लिए हैं यहाँ पर। बिल्कुल ये शाहदरा का जो ब्रिज है इसके नीचे आप देखेंगे वो उसको तोड़वाया भी गया कल। ओके, ओके, उन लोगों ने वहाँ पर कमरे बना लिए, पक्के कमरे बना लिए, पक्के कमरे बना लिए। अच्छा, इन लोगों को बारहा दफ़ा इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है लेकिन मूव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तक कोई नकलो मकानी इनकी तरफ से नज़र नहीं आई, बल्कि इनके जानवर भी इधर ही हैं। तो ये इंतज़ामिया से ज़्यादा ताकतवर हैं या ये इंतज़ामिया इनसे कमज़ोर है? अच्छा, मुझे ये लगता है कि शायद इनको यहाँ से हटा के जगह कहाँ देंगे, ये लोग रहेंगे कहाँ? असल मसला जो है वो मेरे ख्याल में इंतज़ामिया के लिए, बिल्कुल ऐसे ये मसला है कि इंतज़ामिया जो है, क्योंकि अभी वो सैलाब का उस तरह ख़तरा नहीं है, तो अभी फ़िलहाल इन लोगों को उस तरह मूव यहाँ से नहीं किया जा रहा। तो शायद ज़्यादा पानी आएगा तो फिर ज़्यादा लोगों को यहाँ से नकल मकानी करवानी पड़ेगी, उसके नुकसान के चांसेस भी ज़्यादा हैं। दिलावर, बारिश का भी इससे कुछ लेना देना है यहाँ पे जो पानी, क्योंकि पिछले साल भी बारिशों के सीज़न में यहाँ पे पानी आया था और आप इसी सीज़न में इन्हीं दिनों में यहाँ पे यहाँ में ड्यूटीज़ दे रहे थे, इस साल भी दोबारा आपको पता है मानसून का सीज़न है, बारिशें हो रही हैं लगातार और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, 30 साल का रिकॉर्ड टूटा जी बारिश का लाहौर में, तो बारिश से भी कुछ नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर लाहौर इस साल बिल्कुल डूब सकता है ना, आपने देखा है कि इस साल जो लाहौर की सूरत हाल थी कि गलियां भी नहीं बची, बाहर जो मेन शाहराएं हैं लाहौर शहर की वो भी डूब गई। बिल्कुल ऐसे। तो अगर मतलब उसकी निकासी आपके लिए इंतजाम नहीं थे, तो अगर बारिशें यहाँ पर ज़्यादा होती हैं इस साल तो पानी में फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि फिर आप ये देखिए साथ इंडिया में अगर बारिशें होती हैं तो पानी उनके पास भी तो जमा होगा, तो उन्होंने निकालना तो इसी तरफ ही है, और तो किसी तरफ वो निकाल नहीं सकते, उन्हें निकालना इसी तरफ ही है। जब वो इस तरफ निकालेंगे तो ऑब्वियसली मसला तो हम लोगों के लिए होगा। इंतज़ामिया इस पर क्या कर रही है, कितना उनका फोकस है ये, और प्लानिंग क्या है आगे के लिए, कि मतलब बारिशें ज़्यादा होती हैं या किस तरह का मामला होता है आगे क्या करना है, ये इंतज़ामिया का काम है कि इस पर सोचा जाए। बिल्कुल, कि ये खाली ठीक है हमारे लिए रावी में सिर्फ 2-4 दिन या 5 दिन के लिए पानी आता है जी, लेकिन वो 2-4-5 दिन के लिए जो पानी आता है वो मसला तो हमारे लिए ना क्रिएट करे। बिल्कुल ऐसी। और सबसे बड़ी बात ये, दिलावर मुझे ये बताइएगा, मेन सवाल मैं सबसे आखिर में आपसे पूछ रहा हूँ, तफरी के लिहाज से लोगों को यहाँ आने से मना किया गया? नहीं, जो सबसे आज सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात देखी गई है कि हंगामी सूरत हाल है, और मैं सारा दिन यही देखता रहा हूँ कि पानी आया है, शहरियों ने जैसे खबरें पहुँची हैं शहरियों ने रावी दरिया पर सैर व तफरी के लिए रुक किया है और फैमिलीज़ के हमरा। अच्छा, ये अब ये जिस तरह रेस्क्यू का लोग यहाँ पर मौजूद हैं या सिविल डिफेंस के हैं, अच्छा वो बाकायदा प्राइवेट जो है वो बोट्स हैं उनमें लोग सफ़र करके, तो बारह दरी वो देखें, वो सामने भी आप देखेंगे वो देखें, वो पूरी फैमिली खड़ी है। थोड़ा सा मिराज कैमरा पैन कीजिएगा अगर आप कर सकते हैं उस तरफ को, तो वो फैमिली दिखा सकते हैं, तो वैसे वो अगेंस्ट द सनलाइट है शायद कैमरे में आपको दिखे ना, लेकिन हमारे कैमरा मैन काफ़ी काबिल हैं, कोशिश करते हैं अगर
कैमरे में आपको दिखा सकें। तो ये सैर व तफरी के लिए जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे आते हैं, आगे इस मुकाम से बोट लेते हैं और बोट लेके कामरान की बरादरी तक जाते हैं। ये इस लिहाज से इंतज़ामिया अभी सुस्त है, इस लिहाज से इंतज़ामिया की कोई एफिशिएंसी नहीं दिखाई दे रही कि सैर व तफरी के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको मना नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने नहीं देखी इस आज सारा दिन में कि लोगों को रोका भी जाए। आप कम से कम लोगों को रोक तो सकते हैं कि आप ना जाएं या कोई इस तरह का मामला है। देखिए, पानी खुद कह ये बता रहे हैं कि जसर का जो मकाम है, जो नैना कोट है, वहाँ से निकल चुका है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, रेले ने गुजरना तो इधर से ही है, इधर से गुजरना। तो यहाँ पर शहरियों को तो आना बनता ही नहीं है। एमरजेंसी है, हंगामी सूरत हाल है, तो आप जो है लोगों को अंदर जाने दे रहे हैं और बारादरी में लोग जा रहे हैं बोट पे सफ़र करके। तो ये बड़ा एक सवालिया निशान है कि इस पर किसी ने सोचा ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से इंतजामिया की नाहली अगर कहेंगे तो वो ये है कि लोग यहाँ पे सैर व तफरी के लिए आ रहे हैं और उनको मना नहीं किया जा रहा, सामने कोई पॉइंट नहीं लगा गया। खैर दिलावर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हर साल यहाँ पे सर्विसेज देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी पानी कोई नुकसान नहीं करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, दुआ कर सकते हैं और इंतजामिया से ये अपील ही होगी कि इसको जो है ना अच्छे तरीके से, हाँ अच्छे तरीके से देखें इसको। बहुत शुक्रिया दिलावर आपका। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। दरिया रावी में ही मौजूद हैं अभी भी, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी मुकाम पे, पानी के अंदर ही। और एक ऐसा महकमा, एक ऐसा इदारा जिसके बारे में मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि एक वाहिद इदारा है जो मेरे ख्याल से अपने पैसे हलाल करता है, जो अपनी कमाई हलाल करता है, एक वाहिद पाकिस्तान का ऐसा सरकारी इदारा है, और वो है Rescue 1122, जो मेरे ख्याल से अपनी तनख्वाह से भी ज़्यादा, अपनी आमदन से भी ज़्यादा काम करता है ये इदारा। इसको मैं हमेशा मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में पहले भी ये कह चुका हूँ कि वाहिद ऐसा इदारा है जो दिली सुकून देता है पाकिस्तानियों को कि हमारे टैक्स के पैसे अगर कहीं लग रहे हैं तो सही जगह लग रहे हैं, और काम देता है, मेहनत करता है बेहतरीन। आज उसी इदारे के साथ मौजूद हैं आसिम अली, हमारे साथ मौजूद हैं Rescue 1122 की तरफ से। और आसिम भाई कैसे हैं आप, खैरियत से? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आसिम भाई, सबसे पहले तो ये बताएं जी कि पिछले साल क्या सूरत हाल थी, इस साल क्या सूरत हाल है, डिफरेंस क्या है दोनों साल? सर पिछले साल भी यही सूरत हाल थी कि इंडिया ने जो है ना वो पानी छोड़ा, तो हमारे जो इकदाम हैं पिछले साल भी इसी तरह थे, हम मुख्तलिफ पॉइंट पे बैठे हुए हैं, तो अगर कोई भी ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो इंशाल्लाह हम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं इंशाल्लाह। पिछले साल ज़्यादा ख़तरा था, इस साल ज़्यादा खतरा है? अभी तो देखें ना, इंडिया ने पानी छोड़ा है, यहाँ तक आते आते पानी को 24 से 30 घंटे लग जाते हैं, 40 घंटे। तो पानी आएगा तो फिर भी बता सकते हैं, पिछले साल तो देखा है पानी, इस साल तो अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा। अच्छा, तो जब पहुँचेगा फिर ही पता चल सकता है कि पिछले साल ज़्यादा पानी था या इस साल। सही सही। तो क्या रेस्क्यू की जानिब से क्या सेफ्टी इकदाम किए गए हैं, पीछे से क्या क्या डायरेक्शंस हैं, क्या क्या जिम्मेदारियाँ? तो हमें आपकी पता है, आप जितनी Rescue 1122 निभाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे निभाते हैं, एक वाहिद महकमा ऐसा है। तो पीछे से क्या डायरेक्शन दी गई हैं और आगे क्या इंतजाम हैं? देखिए सर, यहाँ पर हमारा पॉइंट बना हुआ है, पीछे पुराने पुल पे बना हुआ है, आगे जो सगियाँ हैं बाबू साबू, इसी तरह हमारे मुख्तलिफ पॉइंट बने हुए हैं, लड़के बैठे हैं, हमारे पास ये लाइफ जैकेट्स हैं, लाइफ रिंग हैं, बोट्स हैं, OBM हैं, और सभी टीमों के साथ हमारी टीमों के पास यही सामान पड़ा है। तो इंशाल्लाह कोई अगर ऐसी सूरत हाल, अल्लाह करे ना हो, अगर ऐसा हुआ तो फिर इंशाल्लाह हम तैयार हैं। ये सर Rescue 1122 का नुमाइंदा आपके साथ जो ये लड़का बैठा है, ये हमारे वॉलंटियर हैं, हम वॉलंटियर जी जी वॉलंटियर हैं ये हमारे हर स्टेशन में जो है ना एक टीम बनी हुई है कम्युनिटी की। ओके। तो ये वॉलंटियर जो है ना हम तैयार करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ये काम भी करवाते हैं, कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल अगर पैदा होती है तो इन्हें हम कॉल करते हैं, ये आते हैं। अब मेरा यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 साल में ये ड्यूटी है मेरी यहाँ पर, तो ये लड़कों को हमने तैयार किया हुआ है, ये हमारे तैराकी के लिहाज से तैयार किया जी, बिल्कुल तैराकी भी कर सकते हैं, बोट ऑपरेट भी कर सकते हैं, इन्हें रेस्क्यू के सारे काम का पता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपको अभी बिल्कुल सही, इस पानी में तैराकी आप कर लेते हैं इसी के अंदर? ज़बरदस्त। तो ये पानी आपको ज़्यादा नहीं लगता, ख़तरा नहीं लगता, कर लेते हैं? चलें जी, अभी कैमरे में आपको ये भी दिखाएंगे कि कितने हमारे तैराक माहिर हैं, कर लेंगे ना अभी अगर करनी हो तो। एक ज़रा देखेंगे आपका छोटा सा ट्यूटोरियल किस तरह की आप तैराकी करते हैं। आसिम भाई मुझे ये बताइएगा, जो साइड पे आबादी है, लोग हैं, इनके लिहाज से क्या इकदाम किए हमने? इन्हें सर आगाह कर दिया जाता है एक दिन पहले, मस्जिदों में ऐलान कर दिए जाते हैं। अच्छा। और अभी आपको पता है, बंदा गरीब हो या अमीर, मोबाइल सभी के पास हैं, खबरें देखते रहते हैं, उन्हें पता है, तो ये जो आबादियाँ करीब की हैं वो खाली करवा ली जाती हैं। ठीक हो गया। तो ये अब जो जैसे यहाँ पर ये जो झोंपड़ी में लोग मुकीम हैं,
इनके लिहाज से क्या इकदाम किए गए हैं? सर इनके पास कौन सा कुछ सामान है तो इन्हें बता दिया गया अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो इंशाल्लाह ये चले जाएंगे, इन्हें पता है ये शुरू चले जाएंगे पीछे हो जाएंगे कहीं। जी बिल्कुल। अच्छा तो वैसे मतलब अभी यहाँ से इनको परमानेंट मूव करने का कोई ज़िला इंतज़ामिया ने वो कोई काम नहीं लिया? नहीं वो तो ज़िला इंतज़ामिया जानती है, अपनी ड्यूटी जानती है। ऐसी हकीकत है, ज़िला इंतज़ामिया ही जानती है। मुझे ये बताइएगा सैर व तफरी के लिहाज से जो लोग आ रहे हैं ज़िला इंतज़ामिया का काम है उसको रोकना, वो नहीं रोक रहे हैं बिल्कुल, ये रेस्क्यू 112 का काम नहीं है, लेकिन वैसे उनको आप मतलब आगाही दे रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ना आए, सूरत हाल ठीक नहीं है, सैर व तफरी वाली तो बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल, हम जो कर सकते हैं हमने किया, उन्हें मना भी किया, लेकिन तो उसके अलावा हमने उनको जैकेट्स भी दी हैं कि अगर आपने ये आप जो मना नहीं होता जो ज़िद करता है तो उसे जैकेट पहना लें ताकि वो सेफ रहे। ये जी आसिम साहब हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग सैर व तफरी के लिए आ रहे हैं उनको यहाँ पे जैकेट्स दे रहे हैं हम ज़बरदस्ती। अगर वो पहले तो समझाते हैं बाज अगर वो नहीं आते हैं तो उनको जैकेट दी जाती है। आप सब शहरी हैं जी, आप सब जितने भी लोग देख रहे हैं, आपसे मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि जब इस तरह की कोई हंगामी सूरत हाल होती है, एक पहले ही ज़िला इंतज़ामिया के लिए और तमाम महकमों के लिए इदारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी होती है वो सूरत हाल, वो आपके शहर के लिए चैलेंज बन चुकी होती है, वो इर्द गिर्द मुकीम लोगों के लिए चैलेंज बन चुकी होती है, तो इस चैलेंज में मजीद एक बड़ा चैलेंज उनको ना दिया करें, मजीद इसमें इजाफा ना किया करें उनकी मुश्किलात में इस तरह के मुकाम पर सैर व तफरी के लिए। जैसा कि अभी पिछली ब्रेक में न्याई साहब बता रहे थे, हमारे रिपोर्टर बता रहे थे नुमाइंदे, कि यहाँ पर लोग सैर व तफरी के लिए आते हैं और वैसे अमूमन आम रूटीन में यूजुअल लोग कम होते हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में लोग बढ़ जाते हैं, ज़्यादा लोग आते हैं देखने के लिए कितना पानी कितना नहीं, फिर दूर से रुक के पानी नहीं देखते हैं बल्कि मज़ीद आगे जाके और ज़्यादा करीब से कश्ती के अंदर बैठ के सैर करके वो पानी देखते हैं। अभी ब्रिज काफ़ी हमसे दूर हो गया, ब्रिज के ऊपर क्या सूरत हाल आपको वो भी दिखाते हैं, कितने लोग यहाँ पे सिर्फ देखने के नीयत से आए हैं आपको वो भी दिखाते हैं। आसिम साहब ब्रिज के पास ज़रा बोर्ड लेके जाइएगा, ब्रिज के पास बोर्ड ले जाके दिखाइएगा कि कितने लोग यहाँ पे सिर्फ देखने की नीयत से आते हैं कि यहाँ पे जो हम देखने आए हुए हैं पानी यहाँ पे किस तरह पानी है और सैर व तफरी उस पानी में करते हैं। यानी कि पहले ही चैलेंज है, जान का ख़तरा है, इंतज़ामिया कैंपेन कर रही है, मीडिया कैंपेन कर रही है, एजुकेट करने की कोशिश कर रही है, रेस्क्यू 112 एजुकेट कर रही है, कैंपेन कर रही है, और इस सिचुएशन में आप शहरी ये सूरत हाल पैदा कर दें कि जाके सैर व तफरी करें किस तरह के ख़तरनाक मुकाम पर या इस तरह की हंगामी सूरत हाल में, तो मेरे ख्याल से ये लम्हा फिक्र है बहुत बड़ा और ये बाईस शर्म है ये बात कि हम शहरी एक पहले ही जो इस तरह का चैलेंज है उसको मजीद चैलेंज को किस तरह से बढ़ा रहे हैं। अभी ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, ब्रिज की तरफ जाके आपको दिखाते हैं कि कितने लोग ब्रिज पे मौजूद हैं और ब्रिज पे लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। दे रहा है यहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा देखने के लिए आए हुए हैं और यहाँ से ऊपर से देख के उनको पता नहीं क्या चीज़ फैसिनेट करती है, ज़्यादा पानी का बहाव या क्या चीज़, वो नीचे आ जाते हैं, शायद रावी में ज़्यादा पानी देखने की आदत नहीं है। दूसरा ये सैयद मिराज हमारे कैमरा मैन है, मिराज भी अगर कैमरा पैन कर सकते हैं तो पैन करके पीछे ब्रिज पे पीछे वाले ब्रिज पे फोकस कीजिएगा ज़रा, इस ब्रिज पे क्या सूरत हाल है, कितने लोग नीचे देख रहे हैं और सैर व तफरी के लिए आए हुए हैं ये आपको नज़र आ रहा होगा। वहाँ पे भी एक कैंप लगा हुआ है, रेस्क्यू 112 का एक कैंप वहाँ पर भी लगा हुआ है, लेकिन लोग सैर व तफरी के लिए कितने आ रहे हैं ये बड़ी एक परेशान कौन सी बड़ी हैरान कौन सी बात है और बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। ये एक छोटा सा पब्लिक सर्विस मैसेज है हमारी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से, रेस्क्यू की तरफ से, आप सब शहरियों को कि खुदा का वास्ता अल्लाह के वास्ते इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो तब थोड़ा सा ख्याल किया करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी मुश्किल ना पैदा किया करें। पानी का बहाव अभी तो किसी हद तक कंट्रोलेबल है लेकिन कब बढ़ जाए इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। मेरे साथ तो रेस्क्यू की टीम मौजूद है, लाइफ जैकेट मैंने पहनी हुई है, लेकिन ये सैर व तफरी के लिए जो लोग आ रहे हैं जो प्राइवेट बोट्स पे घूम रहे हैं ना उसके पास रेस्क्यू की टीम मौजूद है ना उनके साथ जो है लाइफ जैकेट्स मौजूद हैं, इसलिए बेहतर ये है कि इस तरह का रिस्क ना लिया जाए। खैर यहाँ पे मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये जो वॉलंटियर है ये किस तरह से तैराकी करते हैं आज इसका भी एक छोटा सा आपको नमूना दिखाएंगे। रेस्क्यू 112 के तैयार करदा वॉलंटियर हैं ये, इनके ट्रेन करदा वॉलंटियर हैं ये, जिस तरह से रेस्क्यू 112 तैराकी में माहिर हैं इनके अहलकार इसी तरह ये वॉलंटियर भी माहिर हैं। यहाँ पे ये वॉलंटियर्स या रेस्क्यू 112 के तैराक सिर्फ इस वक्त काम नहीं करते जिस वक्त सैलाब का खदशा होता है या पानी ज़्यादा आ जाता है रावी में या किसी भी दरिया नदी नाले में, ये तब भी काम करते हैं जब यहाँ पर अक्सर वो लोग जो सिरात मुस्तकीम से भटक जाते हैं वो आके जब अंदर
अपनी जान की बाजी हारने के लिए, खुदकुशी करने के लिए जब यहाँ पे छलांग लगा देते हैं किसी भी बोल से, तो उनको बचाने के लिए भी इस तरह करते हैं। और इस तरह के मुतअद्दिद जो हैं वाकयात आते रहते हैं, पेश आते रहते हैं। आपने अक्सर खबरों में भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं। रेस्क्यू 112 का तो काम है, वो मुतअद्दिद बार देखते रहते हैं उन लोगों को, उनकी जो जान देने जा रहे होते हैं उनको किस तरह से बचाते हैं, तब भी यही तरह इसी तरह काम करते हैं। इनके पास कोई लाइफ जैकेट नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी में जब इस तरह कोई आ जाएगा तो लाइफ जैकेट मौजूद नहीं होती है, अरेंज करने में टाइम लग जाता है, इनको फौरी जाना पड़ता है। कोई लाइफ जैकेट नहीं है, उसके बगैर भी किस तरह से ये जाते हैं तैराक, आज आपको भी दिखाते हैं जी। ये करके दिखाएं जी, बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेके जाएं। ओके जी, ये अभी पानी के अंदर चले गए हैं हमारे भाई, और कहाँ गए? ओके जी, अच्छा अब ये निकलेंगे जी आगे से। ये लाइफ जैकेट के बगैर अंदर गए हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि लाइफ जैकेट अगर इन केस कभी मौजूद हमारे पास नहीं भी है तो फिर भी किस तरह से जान बचाई जा सकती है जी लोगों की, और ये इसी तरह से बचाते हैं। और फिर मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा बताता चलूं कि ये रेस्क्यू 1122 के तैयार करता, ट्रेन करता वॉलंटियर हैं। ये हमारे आसिम भाई जो हमारे साथ मौजूद हैं, यही 5-6 साल से यहाँ पर ये मेहनत कर रहे हैं, और इन्हीं के ट्रेन करता वॉलंटियर हैं ये जो यहाँ पर किस तरह से पानी के अंदर उन्होंने छलांग लगाई है तैराकी का। आपको छोटा सा नमूना दिखा के अब वापस आ रहे हैं। आ जाओ जी, आ जाओ, ज़बरदस्त, बहुत आला जी, बेहतरीन। ये आपको छोटा सा तैराकी का नमूना दिखाया। अब आगे चलते हैं, आगे चल के जो लोग सैर तफरी के लिए आए हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करें। ये मेरे पीछे आपको थोड़े से लोग दिखाई दे रहे होंगे कैमरे पर, ये लोग यहाँ पर किस तरह से मौजूद हैं, किस तरह से सैर कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, तफरी कर रहे हैं, प्राइवेट बोट पर आ रहे हैं। ये मेरे ख्याल से लम्हा फिक्रिया भी और बहुत बड़ी शर्म की भी बात है कि इस तरह की सिचुएशन में किस तरह आए हुए हैं। ये थोड़ी सी प्यारे भाई बोट ज़रा इस तरफ तो लेके जाइएगा करीब इनके। ये यहाँ पे नहाने के लिए लड़के आए हुए हैं, इनसे पहले बात करने की कोशिश करते हैं, इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल में ये खड़े हुए हैं। अभी एक शहरी यहाँ पे मरसद मौजूद हैं जी, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से? सलाम जी, ठीक है, करम है जी। इधर सैर के लिए आए हैं जी? सैर के लिए आए हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं? उजरा शाम की, जिला कड़ा। अच्छा, इतनी दूर से आए? जी जी जी, कामरान की बरादरी देखने। जी जी, बिल्कुल जी। अच्छा, तो आपको पता था ये पानी की क्या सूरत हाल है, यहाँ हंगामी सूरत हाल बनी? हम ये देखने के लिए इधर आए हैं। अच्छा जी, पानी की सूरत हाल वैसे इन्जॉय करने के लिए वैसे भी आए। अच्छा सर, वो ये तो सख्ती से मना करते हैं इस तरह के पानी में तो बिल्कुल नहीं आना जी शहरी। हमें सबक मिलता है इस चीज़ का कि हमें इससे दूर रहें, बाकी बांदा लोगों को भी इससे दूर रखें और इससे परहेज करें कि जितना दूर उससे कर सकें। सर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना एक दफ़ा एक खातून आई, उन्होंने आगे कहा कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, ज़्यादा खाता है, तो इसका नुकसान होगा, तो इसे समझाएं गुड़ ना खाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ये कहा था कि अभी आज आप चली जाएं, मैं कल उसे समझाऊँगा, अपने बेटे को साथ लेके आई थी। तो वो कल खातून दोबारा आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे समझाया कि आप गुड़ ना खाया करें, ये अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो आपको पता है पहले दिन उन्होंने क्यों नहीं समझाया था? क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले वो खुद उन्होंने गुड़ खाया हुआ था, तो इस वजह से उन्होंने खुद नहीं समझाया कि मैंने खुद खाया तो मैं इनको क्या समझूं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसे। सर, हम खुद जो काम करेंगे वो लोगों को क्या समझें? देखें, मेरी बात सुने, ये इधर मेरा बेटा है, मेरे अच्छा, भाई साहब खड़े हुए हैं, मैं सबको यही हम तरकीब कर रहे हैं, भाई पानी से दूर रहना है। आज ये छोटे बच्चे ना देखो, घर से भाग के आए हुए हैं, सबको यही मतलब भी करते हैं यार, दूर रहना है, इससे दूर रहना यार। शायद हमारी जबान से कोई लफ्ज़ निकला लफ्ज़ इसके निकल, बिल्कुल ऐसे आराम से बनते हैं। तो यही इस काम के लिए देखें ना, ये कितना अमला मौजूद है, हम मौजूद हैं समझाने के लिए। भाई वाले जो है ना वो एक फरिश्ते हैं हमारे लिए, ठीक है। ये पानी अल्लाह की नेमत भी है और जब ज्यादा हो जामत भी बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें अल्लाह की रहमत की उम्मीद करनी चाहिए, जामत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो सर ये उनका काम है ना, वो लोगों को समझा लेंगे, सिविल डिफेंस वाले भी समझा लेंगे, हम भी समझा लेंगे, हमारा भी काम है क्योंकि हमारे वो भाई हैं। अच्छा, हाँ जी, हमारे शहरी भी यहाँ के लोग। बिल्कुल जी, हम उनके साथ शाना फाना काम करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन सर देखें, वो तो माहिर है ना, तैराकी में भी माहिर हैं, इस तरह की डिजास्टर के भी माहिर हैं, हम शहरी तो नहीं ना माहिर। बात सुने, हम इसलिए साइड पे बैठे हुए हैं, आए तो इसी पानी से है ना? नहीं नहीं, अच्छा पीछे आए हैं, खुश रास्ते। हाँ, खुश रास्ते, गाड़ी से पानी पे। बिल्कुल, ये दुनिया ना ना, हाँ ये तो रिस्क नहीं ना? नहीं नहीं, ना ना ना, फिर आपने अच्छा किया, फिर आपने अच्छा किया। ये सर किसी को लेने भी नहीं देना पानी से किसी को? ये आपके बेटे हैं? नहीं जी, मेरा बेटा ये खड़ा है। अच्छा, ये क्या हाल है आपके, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, तो उकाड़ा से आए हैं, उजरा शाह मुकीम से? कैसा लगा लाहौर? माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। हाँ, अल्लाह इसको ऐसे ही अच्छा रखे। बस ये अभी थोड़ा सा माहौल बना हुआ है पानी का, जो अभी पिछले साल की नस्बत अभी तो कम है, लेकिन हो सकता है कोई चांस है, अल्लाह ना करे बढ़े, लेकिन हो सकता है बढ़ जाए। तो ये आप यहाँ पे भी मौजूद हैं, यहाँ से वापस जाते हुए जितने भी लोग यहाँ होंगे ना सबको समझाना, और जो भी सैर के लिए आ रहे होंगे कि यहाँ पानी से नहीं आना, कोई मसला नहीं, सबको समझाएंगे। ओके ओके, इंशाल्लाह। ओके जी सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह जी। और आप सारे भाई यार
काफ़ी सारे मुझे पता है बोट पे आए होंगे, सामने आके नहीं बताएंगे कि हम बोट पे आए या नहीं आए, काफ़ी सारे अंदर नहाते भी होंगे, मुझे उनका भी पता है। तो आप सारे समझदार हैं माशाल्लाह। छोटी सी आप सारों से रिक्वेस्ट है यार, मैं आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में जब हंगामी सूरत हाल होती है, एक पहले ही मसला बना होता है इंतजामिया के लिए, इंतजामिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उसमें हम शहरी मजीद उनका काम बढ़ाएं और ज़्यादा उनका बड़ा चैलेंज करें, तो मेरे ख्याल से हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये शर्म की बात है हमारे लिए, मुझ समेत हम सारे भाई हैं, तो ये काम नहीं, ठीक है छोटो, ये काम नहीं करना चाहिए, पानी के बिल्कुल करीब नहीं जाना, ऊपर ऊपर रहना है अभी तो। सर शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह जी। अभी तक जी ये पानी की सूरत हाल कुछ बेहतर है, लेकिन फिर भी ज़्यादा है, और ज़्यादा जो है मायूसी की बात ये है कि जो आगे लोग लड़के पानी के अंदर नहा रहे थे, इस तरह के पानी के अंदर आपने कैमरे में भी शायद देखा होगा, थोड़ी सी हमने कोशिश की थी फुटेज बनाने की, उनको विसल भी दी गई, उनको बार बार समझाया भी गया कि पानी से ऊपर हो जाओ, पानी से ऊपर हो जाओ, जैसे ही बोट उनके करीब से गुजरी है वो पानी से ऊपर हो गए हैं, बोट जैसे ही आगे गई है वो दोबारा पानी के अंदर चले गए हैं नहाने के लिए। मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी शर्म की बात है, और ये थोड़ा सा कैमरा पैन कीजिएगा जी मेराज साहब, ये देखें जी, अभी सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, अभी एक जनरल बात कर रहा हूँ, और वो देखें जी एक फैमिली सैर के लिए आई हुई है, फ़ोटोशूट भी कर रहे हैं, सैर भी कर रहे हैं, और ये एक बहुत ज़्यादा दुख की बात है। बोट को आप देख रहे हैं, बोट किस स्पीड से जा रही है, ये इस स्पीड से बोट जा रही है, यहाँ पे बोट को चलाया नहीं जा रहा, पानी का बहाव इतना तेज़ है, पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि बोट इस स्पीड से उस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस तरह के पानी के बहाव में, इस तरह की पानी की स्पीड में मेरे ख्याल से शहरियों को बिल्कुल मुतहरिक रहना चाहिए, और इस तरह नहीं है। यहाँ पर जी ये फैमिलीज़ कुछ आई हुई हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे बात करते हैं, ये मेरे प्यारे भाई, छोटे भाई जो है सैर व तफरी के लिए मेरे ख्याल से आए हुए, इनसे पूछते हैं भाई जान क्या हाल है, खैरियत से हम, आप कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से हम भी ठीक है। अच्छा किस नियत से आए हैं यहाँ पे, खैरियत से हम देखे आए हैं, ये रश बहुत लगा हुआ, हम इधर आए हैं, हमने देखा, हमने भी देखे हैं इधर, क्या इधर बहुत अच्छा माहौल है, हम आए हैं, आबो हवा भी अच्छी है, अच्छा और इंजॉय वाला माहौल है, अच्छा हम इधर से आए हैं देखने के लिए कैसा माहौल है, हम इधर इंजॉय करने आए हैं बस। आपको पता है यहाँ पे रश क्यों है, यहाँ पे रेस्क्यू वाले क्यों मौजूद हैं, यहाँ पे पीडीएम में क्यों मौजूद है, सॉरी सिविल डिफेंस क्यों मौजूद है, मीडिया क्यों मौजूद है, आपको पता है क्यों इतना रश है? लड़कों से सुना था इधर वो पानी पीछे से आया ज़्यादा, तो वो हम देखने आए थे कितना को आया। अच्छा नहीं अभी आया तो वाकई ज़्यादा है, और इतना को आया ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ कितना है, पीछे मुड़े वो जो ब्रिज का नीचे वो आपको टावर नज़र आ रहा है, ये टावर कभी आपने यहाँ तक इसके पानी देखा है पहले, आज पहले भी देखा था जो पिछले साल, पिछले साल वही पिछले साल आया था और उसके बाद आ जाया, तो अभी तो वहाँ से जाहिर है ये 24 घंटे 36 घंटे लगते हैं इंडिया जब पानी छोड़ता है यहाँ तक पहुँचने में, तो अभी तो आज उन्होंने छोड़ा है, टाइम के साथ साथ बढ़ भी जाएगा, अचानक भी बढ़ सकता है, कुछ भी सूरत हाल बन सकती है, तो ऐसी हंगामी सूरत हाल में शहरियों को आना चाहिए? नहीं नहीं इधर नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना, सैर तफरी करने के लिए आना चाहिए, मगर ऊपर देखना चाहिए, नीचे पानी के पास नहीं आना चाहिए, ऊपर देखना चाहिए, ऐसे ही सही कह रहा हूँ मैं, नहीं आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए, नहीं नहीं वैसे बताएं नहीं आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए, आपकी वालदा हैं वो, अच्छा तो आप खुद भी आ गए यहाँ, बल्कि बेटे को समझाएं कि नहीं जाना चाहिए खतरा है, और आप वालदा को समझाएं, आप समझाएं वालदा को खतरा है नहीं जाना चाहिए, आप खुद भी आ गए हैं देखने के लिए, नहीं मेरे भाई देखें देखने के लिए, अक्सर मतलब जो इस तरह नुकसान होते हैं ना वो मैक्सिमम वही लोग होते हैं, माँ जी आप भी सुने जो देखने के लिए आए होते हैं, देखने नहीं आए ऐसे ऐसे कम आए, तो एक दो दिन बाद काम आ जाते हैं, ये कल तक पानी का मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, आज देखिए आज तो हंगामी सूरत हाल किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो ये इस तरह तो देखें हम शहरियों का फर्ज है कि हम ना जाएं, तो हम अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे, फिर हम हुकूमत को कहते हैं, इंतजामिया को कहते हैं, वो अपना फर्ज पूरा करें, पहले हम तो करें ना, हम तो करें, सही कह रहा हूँ मैं, तो यार नहीं आना चाहिए ना, नहीं आना, चलें अपना ख्याल रखें, और मेरे प्यारे भाई मेरी रिक्वेस्ट पे ना यहाँ पे अपने ना कश्ती में जाना है ना सैर करनी है, चले जाना है, अगर बहुत शौक है लाइफ जैकेट पहन के जाएं, अगर जाना है कहीं ज़रूरी काम जाना है तो लाइफ जैकेट पहन के जाएं, नहीं तो जाएं ना, ठीक है पानी में नहीं जाना, नहीं नहीं भाई ऐसे तो पानी वेकर नहीं आए, ऐसे तो उसे ऐसे ही उधर काम आए सर, चले ये जी शहरी किस कदर इस चीज़ को लाइट ले रहे हैं इसका अंदाज़ा आपको हो गया होगा, थोड़ा सा उनको समझा रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस दे रहे हैं, हम भी रेस्क्यू वाले भी सिविल डिफेंस वाले भी, लेकिन उस चीज़ को वो लाइट ले रहे हैं, मजाक ले रहे हैं, लेकिन ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब इस तरह आप इंतज़ामिया को या उनके चैलेंज को इस तरह लाइट ले के इस तरह का काम करेंगे तो ज़ाहिर है इंतज़ामिया भी आपके चैलेंज को और आपको इस तरह लाइट लेंगे और इसी तरह के नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ना अहली सिर्फ इंतज़ामिया की है, शहरियों की ना अहली नहीं है, ठीक है इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो उन्होंने पूरी नहीं की है, ना अहली इंतज़ामिया की, इंतज़ामिया की ना अहली क्या है कि यहाँ पे कोई भी मुझे डीसी ऑफिस से बंदा नज़र नहीं आया, कमिश्नर ऑफिस से बंदा नज़र नहीं आया,
कोई भी पंजाब पुलिस की तरफ से बंदा नज़र नहीं आया जो इनको नीचे आने से मना करे, ये यहाँ पे बंद कर दिया जाए सैर व तफरी के लिए, मुकाम नीचे आने से लोगों को मना करे। एक दिन की बात है, 24 घंटे की बात है, 36 घंटे की बात हो जाएगी, 48 घंटे की बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये एक्शन नहीं लिया गया। इसी वजह से ना अहली है इन दोनों तीनों डिपार्टमेंट्स की तरफ से, बाकी पूरे शहर के भी काम होते जा रहे हैं। यहाँ पे जब खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाएगा, वो जानी नुकसान हो या वो माली नुकसान हो, तो उसके बाद सिर्फ एक सवाल सुनने को मिलता है। एक सवाल सबसे पूछा जाता है कि इंतजामिया सो रही थी, पंजाब पुलिस सो रही थी, इंतजामिया सो रही थी, और इंतजामिया तब जब उसका जवाब देंगे कि नहीं हम सो नहीं रहे थे और हमारे और हज़ार मसले मसाइल हैं, तो उससे पहले ये मसला मेरे ख्याल से उनको पता होना चाहिए था। मीडिया पे भी बार बार हाईलाइट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी हाईलाइट किया जा रहा है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे हाईलाइट किया जा रहा है, और अगर फिर भी उनकी नज़र में नहीं पड़ा तो मेरे ख्याल से ये उनकी ना अहली है, ये उनकी सुस्ती है। खैर, मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया है, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आपको एक सोशल मैसेज आज भी दिया है, हर प्रोग्राम की तरह आज के प्रोग्राम में भी सोशल मैसेज दिया गया कि इस तरह अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर पूरी किया करें, जहाँ जहाँ पर जो जो आपकी बनती है, और उम्मीद है कि आप इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी अमल करेंगे जैसे बाकी तमाम पे करते आ रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।